सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 से थ्योरम 8.1 को सीखने वाले हैं इस वीडियो पे, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, हम इसे एक पहले फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लिया है। पैरेललोग्राम मतलब होता क्या है, पहले वो समझते हैं। अ पैरेललोग्राम हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब जो इस पैल ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल भी होता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में जो इसकी अपोजिट साइड्स है, मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट हैं और ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ठीक है। तो ये ए बी जो है पैरेलल होगी डी सी के और इक्वल भी होगी, और ए डी जो है पैरेलल होगी बी सी के और इक्वल भी होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इस थ्योरम में क्या कह रहा है। और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स, एक ही पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डिवाइड करता है इस पूरे पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे। मतलब हमको ये बताना, हमको ये बता रहा है कि ए बी डी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है बी डी सी के, ठीक है। तो हम इसे प्रूफ भी कर लेते हैं। इसे काफ़ी तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो देखते हैं, ये पैरेललोग्राम है ए बी डी सी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स में जाएंगे, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी पी। तो हमारा बी डी ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें, बी डी कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल में, तो बी डी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा, जो कि कॉमन है, ठीक है। ये दोनों तो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो बाय एस रूल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी के। तो हमें यही प्रूफ भी करना था। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।